हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे आईएएस बाबा का डेली क्विज कंपाइलेशन करने वाले हैं फरवरी मंथ का। इससे पहले मैंने जनवरी मंथ का, जनवरी 2020 का जो भी मंथली कंपाइलेशन था उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और लगभग वहाँ पे 120 क्वेश्चन के आसपास हैं मैंने डिस्कस किए हैं, और उसके अलग अलग पार्ट की जो भी प्लेलिस्ट थी वो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे डाली है। अगर आपने चेक नहीं किए होंगे तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ फीडबैक्स वगैरह देने होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वगैरह, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपके जो फीडबैक्स या कमेंट्स वगैरह होते ही हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, एंड उससे मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। सो आज स्टार्ट करते हैं हम। फरवरी मंथ का है आइस बाबा का डेली क्विज कंपाइलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द IPBES। IPBES के बारे में यहाँ पे पूछा है आपको। दो स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताए ना आपको। इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस बॉडी, एंड उसके बाद में इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी सॉरी स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफ्रेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी टू ओनली यहाँ पे सही है, और ये यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। एग्जैक्टली, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज IPBES, इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज, इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश बाय द स्टेट्स टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेरेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेल बींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वॉज एस्टेब्लिश इन पनामा सिटी ऑन 21 अप्रैल 2012 बाय 94 गवर्नमेंट्स। इट इज़ नॉट एन यूनाइटेड नेशन बॉडी, ये यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है, इसलिए वो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो रॉन्ग हुआ था। हाउ एवर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द IPBES प्लेनरी एंड विद द ऑथराइजेशन ऑफ द UNEP गवर्निंग काउंसिल इन 2013, द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट सर्विसेज टू द IPBES। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट मतलब बताना है, दो ऑप्शन दिए हैं। बोडो इज द ओनली ट्राइबल लैंग्वेज दैट इज इन द लिस्ट इज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोडो लैंग्वेज इज ओनली स्पोकन इन आसाम। सो ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जब भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड आता है ओनली या फिर ऐसे मतलब जो मतलब दर्शाते हैं कि मतलब यही सही है, एक्सट्रीम वर्ड बोलते हैं इसे ओनली वगैरह को, सो 90% ये रॉन्ग ही होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, एस्टिमेट टू हैव 1.5 मिलियंस स्पीकर्स सेंसस 2011 में, यहाँ पे 2011 में यहाँ पे बताया था। बोडो इज़ द ओनली ट्राइबल लैंग्वेज दैट इज़ लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ स्पोकन इन आसाम वेयर द बोडो ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5 to 6% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट में भी ये बोली जाती है। सो ध्यान में रखना बोडो लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। सो ये गुजरात में लोकेटेड है। नारायण सरोवर सेंचुरी वॉज पॉपुलरली नोन एज नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नारायण सरोवर चिंकारा सेंचुरी नोटिफाइड एज सच इन द अप्रैल 1981 एंड सबसिक्वेंटली डी नोटिफाइड इन 1995 विद द रिड्यूस एरिया इज अ यूनिक इकोसिस्टम नियर द नारायण सरोवर इन लाखपत तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में है ये। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जेडोन्स कर्सर के बारे में यहाँ पे पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दो ऑप्शन दिए, इट इज़ द ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड इट इज़ लिस्टेड एज अ क्रिटिकल एंडेंजर बाय द IUCN रेड लिस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये ओनली मैंने पहले ही बताया कि ऐसे वर्ड आते हैं तो 90% रॉन्ग ही होता है। सो ये वेस्टर्न घाट में ही नहीं है, ये जेडोन कर्सर इसका साइंटिफिक नाम दिया है यहाँ पे।
इज अ नॉक्टर्नल बर्ड बिलोंगिंग टू द पाइटिन कोल एंड द कसर फैमिली ग्लैरियोलिडी एंडेमिक टू इंडिया. द बर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय द सर्जियन नेचुरलिस्ट थॉमस सी जेडोन इन 1848 बट नॉट सीन अगेन अंटिल इट रीडिस्कवरी इन 1986. दिस कर्सर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंडेमिक फाउंड लोकली इन द इंडियन इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश. तो ध्यान में रखना ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में है ये. इट इज करंटली नोन ओनली फ्रॉम श्री लंक मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उसके बाद में वेयर इट इज इनहेबिटेड स्पार्स स्क्रब फॉरेस्ट विद द पैचेस ऑफ बेयर ग्राउंड. IUCN में इसका ये है क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी में है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. तिशरीन रेवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड है? सो ये इराक से रिलेटेड है. तिशरीन रेवोल्यूशन ध्यान में रखना है 2019 में इराकी प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे. आल्सो नेम द तिशरीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं. और इराकी इंटिफिडा आर एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द प्रोटेस्ट दैट कंसिस्टेड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मार्चेस सीट इन्स एंड सिविल डिसओबीडियंस. दे स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 द डेट विच वॉज सेड बाय द सिविल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया स्प्रेडिंग ओवर द सेंट्रल एंड द सदर्न प्रोविंसेस ऑफ द इराक टू प्रोटेस्ट द 16 ईयर्स ऑफ द करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इनएफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज बिफोर दे एस्केलेटेड इनटू कॉज टू ओवरथ्रो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टॉप टू ईरानियन इंटरवेंशन इन इराक. सो ईरान का जो इंटरवेंशन हो रहा था इराक में उसके लिए यहाँ पे इराकी प्रोटेस्ट हुए थे, उसे तिशरीन रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन DICGC के बारे में है. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दो ऑप्शन दिए हैं. इट इज वोली ओन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI. इट इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट सच एज सेविंग फिक्स करंट रिकरिंग डिपॉजिट फॉर द अप टू द लिमिट ऑफ द 10 लाख फॉर ईच डिपॉजिट इन द बैंक. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन सही है यहाँ पे. सो ये सब्सिडरी है RBI की. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन DICGC अ सब्सिडरी ऑफ द RBI गिव्स इंश्योरेंस अप टू ₹1 लाख होता है ना कि 10 लाख होता है. डिपॉजिट इन द बैंक्स विल नाउ इंश्योर डिपॉजिट अप टू 5 लाख पर कस्टमर विद द DICGC एज पर द बजट प्रपोजल. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द उज रिवर. उज रिवर के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. और दो ऑप्शन दिए यहाँ पे. इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज रिवर एंड इट इज ओरिजिनेट्स इन द पीरा पंजल रेंजेस. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन बी सही है यहाँ पे. ओनली 2 स्टेटमेंट सही है. इट ओरिजिनेट इन द पीरा पंजल रेंजेस और उज रिवर है. और उज रिवर बोलते हैं इसे इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर, ना कि सतलज रिवर की है. सो ये रावी रिवर के है, ध्यान में रखना. डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पढ़ सकते हो. दैट फ्लोज थ्रू द कठुआ जम्मू कश्मीर. उज रिवर ओरिजिनेट्स इन द कैलाश माउंटेन्स नियर भादेरवा हिल्स पार्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज एट एन एटीट्यूड ऑफ 4,300 मीटर 14,100 फीट की ऊंचाई पर रहेंगे. उसके बाद में यहाँ पे हम आते हैं. स्फूर्ति स्कीम इज अंडर द एजिस ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ऑप्शन सी सही है यहाँ पे. स्फूर्ति ध्यान में रखना. स्फूर्ति के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है. स्फूर्ति इज अ स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सर्विसेज. स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. सो इसका फुल फॉर्म यही है. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया दिस स्कीम इन द ईयर 2005 विद द व्यू टू प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट. इट एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ द खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिसंस. आल्सो अंडर द स्फूर्ति द स्कीम फॉर द रूरल इंडस्ट्री सर्विसेज सेंट्रल RISC रिस्क इज बींग इम्प्लीमेंटेड. द स्कीम फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्फूर्ति. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है. संतुष्ट पोर्टल ये किसने लॉन्च किया था? सो ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने. ऑप्शन सी सही है यहाँ पे. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने यह संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं.
उर्टल संतुष्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरिंग सेल दैट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन January 2020. द पोर्टल एड्रेस डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज देयर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी स्कीम एंड पॉलिसी एट द ग्रास रूट लेवल. उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी NCCD के बारे में. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दो ऑप्शन दिए यहाँ पे. इट इज इम्पोज ऑन सिगरेट, पान मसाला, बीडीज, अदर टोबैको प्रोडक्ट एंड सेलुलर फोन्स. इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द फाइनेंस एक्ट 2001. सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. और डिस्क्रिप्शन में देखते हैं NCCD के बारे में. यहाँ पे इज अ टैक्स इम्पोज ऑन पान मसाला, सिगरेट, पेलुलर फोन्स, अदर टोबैको प्रोडक्ट. इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द फाइनेंस एक्ट 2001. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सेटअप किया है 7 जोनल कल्चर सेंटर अक्रॉस इंडिया. दे आर हेडक्वार्टर इन, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. सो ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही जगह पे है. यहाँ पे जोनल कल्चरल सेंटर नागपुर, उदयपुर एंड कोलकाता. सो ध्यान में रखना. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर थ्रू आउट द कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द 7 जोनल कल्चर सेंटर विद द हेडक्वार्टर्स एट पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दिमापुर एंड तंजावुर. सो ये 7 जगह पे यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है. दिस ZCCs ऑर्गेनाइज वेरियस कल्चर एक्टिविटीज प्रोग्राम्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन रेगुलर बेसिस फॉर विच द एनुअल ग्रांट इन एड इज प्रोवाइडेड टू देम. सो ये एक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पे कर रहे हैं. ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब आपको आंसर नहीं देखने, आंसर देख सकते हो आप और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो. समटाइम्स क्या होता है कि ये मतलब हम सिर्फ रीड कर रहे हैं और रीडिंग से ही मतलब आपको पता चलता है कि मतलब ध्यान में रहता है और एक बार रिवीजन हो जाती है आपके. सो आपके अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो यही मेरा मोटो है. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पुहार के बारे में. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए. इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. इट सर्व एज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चोला किंग. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2. ऑप्शन सी. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. पुहार आल्सो नोन एज अ पुम पुहार, इसे बोलते हैं, इज अ टाउन ऑफ द नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट इन द सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ द तमिलनाडु में है ये. इट वॉज वंस अ फ्लरिशिंग एंशियंट पोर्ट सिटी नोन एज अ कावेरी पुमपट्टिनम विच फॉर अ वाइल सर्व एज द कैपिटल ऑफ द अर्ली चोला किंग इन तमिलकम. पुहार इज लोकेटेड नियर द एंड पॉइंट ऑफ द कावेरी रिवर असाइड द सी कोस्ट. इट इज मैंशन इन द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्राइन सी के बारे में मैंशन किया है यहाँ पे, जो हुआ करता था. उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज री इंस्टेट इन टू द कॉमनवेल्थ एज इट्स 54th मेंबर स्टेट. सो यहाँ पे मालदीव्स है. मालदीव्स ने यहाँ पे फिर से रिजॉइन किया है द कॉमनवेल्थ में यहाँ पे मोर देन 3 ईयर्स आफ्टर, मतलब 3 साल पहले इन्होंने छोड़ दिया था इस कंट्री ने. आफ्टर द इंडियन ओशन आइलैंड नेशन क्विट द एसोसिएशन अमिड माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड. देन इन 2016 द मालदीव्स पुल्ड आउट कॉमनवेल्थ टर्मिंग अनजस्ट द ग्रुपिंग डिसीजन टू पेनलाइज द कंट्री ओवर फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिद कॉन्ट्रोवर्सियल आउस्टर इन 2010. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट पूछे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. ऑप्शन ए है, ओनली अ डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे दिस टैक्स. एंड उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इवन अ कंपनी दैट इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन इट्स इनकम हैज टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था ऑन सैटरडे. फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे प्रपोज किया है टू रिमूव द डीपली अनपॉपुलर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT. डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर्स एंड MFs विल नाउ बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिप्टेंट इंस्टेड ऑफ द कंपनी MF एट द अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज अ सरोगेट टैक्स एंड इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर डूइंग अवे विद दिस टैक्स कैन गिव द मेजर पुश टू द इन्वेस्टमेंट. अबोलिशन ऑफ दिस टैक्स कैन बूस्ट द मार्केट सेंटिमेंट एंड मेक इंडियन इक्विटीज मोर अट्रैक्टिव. द क्लेमर हैड बीन ग्रोविंग फॉर द एबोलिशन ऑफ द DDT
Ever since the corporate tax cut September, the task force on the direct tax code had recommended the scrapping this tax in order to boost the investment. Domestic company at present are the subject to the DDT at 15% of the aggregate dividend declared and distributed or paid, as it also includes a 12% surcharge and 3% education cess. Effective DDT rate comes to 20.35%. A dividend is the sum that company pay its shareholders from the profit it earns, and DDT is a tax levied on the dividends. Only a domestic company is liable to pay this tax. Even a company that is not liable to pay any tax on the income has to pay dividend distribution tax. So ye pura diya hai, aap pad sakte ho. और यहाँ पे टैक्स ऑन द डिविडेंड इज अ ट्रिपल लेवी. डिविडेंड बेसिकली मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज आफ्टर द टैक्स प्रॉफिट. टैक्स पेड बाय द कंपनी इज द फर्स्ट लेवल एंड डीडीटी इज द सेकंड लेवल. द रिसेंटली इंट्रोड्यूस द सुपर रिच डिविडेंड टैक्स. द 10% ऑफ द एनी वन हु अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ द 10 लाख एंड अबव इज द थर्ड. डीडीटी अप्लाइज टू म्यूचुअल फंड एज वेल. बिकॉज ऑफ द fund houses deduct DDT as the source dividend from the MF scheme has tax free of the shareholder. The DDT debt is 25% of the 30% 25% for the individual and 35% for the corporate. For equity MF, the rate is 10% along with the surcharge says it becomes 11.648%. DDT was introduced more efficient dividend tax collection from the companies rather than the shareholder. So is itna bada matlab diya tha, aap pause karke ek bar padh sakte ho ye pura. उसके बाद में यहाँ पे शाहीन फाल्कोन के बारे में यहाँ पे ये यह कहाँ पे मिलता है सब बोला है. तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों ही कंट्री में यहाँ पे मिलता है. ऑल ऑफ द अबव है. शाहीन इज फाउंड इन द साउथ एशिया फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड श्रीलंका सेंट्रल और सदर्न ईस्ट चाइना नदर्न म्यांमार. इन इंडिया इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन ऑल स्टेट मेनली फ्रॉम द रॉकी एंड हिली रीजन. द शाहीन has also been reported from the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ये श्री बीरेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा है. दो स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इट वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट चोला एम्परर राजा राजावन एंड इट इज द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल. सो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बीरेश्वर टेम्पल के बारे में. सो एक बार डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है. बीरेश्वरा टेम्पल आल्सो कॉल्ड राजा राजेश्वरा और पेरू वडियार कोविल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द शिवा लोकेटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर इन तंजावर तमिलनाडु इन इंडिया. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल एंड एक्सलेम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ अ फुल रियलाइज द्रविडियन आर्किटेक्चर का नमूना है. इट इज कॉल्ड एज अ दक्षिणा मेरू भी बोलते हैं और मेरू ऑफ द साउथ बोलते हैं, ध्यान में रखना. बिल्ड बाय द तमिल किंग राजा राजा चोला वन बिटवीन द 1003 and 1010 AD. The temple is a part of the UNESCO World Heritage Site, also known as a Great Living Chola Temples भी बोलते हैं इसे, along with the Chola Dynasty, Era Gangaikonda Cholapuram Temple and Eravateshwara Temple. इनके साथ में ये फ्लरिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं वर्धमान पोर्ट के बारे में. वर्धमान पोर्ट इट विल बी सेटअप इन, ये अभी महाराष्ट्र में सेटअप हुआ है. इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेटअप द वर्धमान पोर्ट इन महाराष्ट्र. द पोर्ट इज टू बी द डेवलप इन द लैंड रोड मॉडल. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विल एक्ट एज अ लीड पार्टनर इन द डेवलपिंग पोर्ट. सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं विवाद से विवाद विश्वास स्कीम ये किससे एसोसिएटेड है. ये डायरेक्ट टैक्स से एसोसिएटेड है. उसके बाद में स्कीम aim to settle the pending cases on the direct taxes, aim to resolve the 483,000 direct taxes dispute. The scheme provides waivers on interest if the dispute tax was paid before 31st March 2020. उसके बाद में यहाँ पे वलुथियम is an alloy. ये alloy क्या है, tin and aluminium है, ये ध्यान में रखना. It is an alloy of the tin and aluminium. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एंड उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम. कस्तूरी मंजल इज अ टाइप ऑफ, ये टर्मरिक का टाइप है. कस्तूरी मंजल वाइल्ड टर्मरिक है और करकुमा एरोमेटिका भी बोलते हैं इसे. इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब ये अभी लुप्त हो रही है. व्हाट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट इजंट ऑथेंटिकेट. सो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. और ऐसे ही मतलब यहाँ पे फरवरी के हम यहाँ पे पूरे मतलब
2020 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा मेरे चैनल पर, और आप मुझे सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ कमेंट फीडबैक वगैरह दे सकते हो, और टेलीग्राम पे आपको कुछ भी वीडियो वगैरह चाहिए होंगे यूपीएससी से रिलेटेड, सो आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, यूपीएससी परसिवरेंस करके टेलीग्राम चैनल है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_परसिवरेंस, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।